पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है, आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से, paanikikahani.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। कभी रुकती है कभी बहती है, एक नदी मेरे रगों में बहती है। कभी नदी टूट जाती है, तालाब बन जाती है मेरे अरमानों की तरह। कभी नदी अपनी दोनों बाहों को फैलाती है बादलों से मिलने, मेघ पीकर हंसती खिलखिलाती। नदी जो कल बहती थी निर्वीक, आज भी बहती है रुक रुक कर। मेरे हिस्से की नदी खुलकर बहो, तोड़ दो बंधों को, बहा दो जलकुंभियों को, फिर से नदी बन जाओ, ले चलो मुझे सागर सीमांत तक। कभी गोमती के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ता था। कुरिया घाट के साथ ही अग्रसेन घाट, शनि मंदिर घाट, पिपरा घाट, ना जाने कितने घाटों पर सुबह से ही भक्तों की कतारें लगती थी। लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देते थे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो डालीगंज पुल के पास एक महीने तक कभी मेला चलता था। धीरे धीरे नदियों के साथ हमारा संबंध खत्म होता गया, नदियों के घाट हमसे दूर होते गए। लेकिन विकास और विज्ञान के युग में भी हमारी परंपराएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहीं। और मतलब ये हाल है कि आज से 30-35 साल पहले गोमती पानी से इलाज होता था, और आज अगर आदमी नहा ले तो उसको चर्मरोग के डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। पुराने लखनऊ के चौक में एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। लोग इसे कोनेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि हजारों साल पहले ऋषि कौंडल्य ने इस मंदिर की स्थापना गोमती नदी के किनारे की थी। लेकिन तब नदी के किनारे ना तो बंदे थे ना ही इतनी आबादी थी। गोमती नदी ने अपना रुख बदला और आज जहां पर कुड़िया घाट है, कभी वो कौंडलेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था। कभी सूर्यास्त की बेला पर गोमती की जलधारा में जगमगाते हुए दिए देवलोक का आवास कराते थे। देवताओं के धरती पर आगमन की खुशी में लोगों ने नदियों के बहते हुए जल में दिए को चलाकर प्रवाहित करने की परंपरा शुरू की थी, और हर वर्ष मनाई जाने वाली देव दीपावली पर तो गोमती के किनारे बने कई घाटों पर शाम के समय लोग दीप जलाकर घाटों को सजाते थे, और दीपकों की रोशनी से नहाया कुरिया घाट बेहद खूबसूरत लगता था। एक स्वस्थ नदी एक नाला नहीं है, ये ऐसी स्थिति को नहीं सह सकती है जहां एक और इसके प्रवाह को नष्ट कर दिया जाए और साथ ही इसमें अपशिष्ट भी भर दिया जाए। जब तक ये पुल जो बना है, इसके लिए जो उन्होंने बात रोका है पानी को, जब तक इसको नहीं हटाएंगे ये पानी का बहाव मिलेगा नहीं, जब तक ये रुकती रहेगी। इसको हटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इसके लिए। कुड़िया घाट पे जो डैम बना रखा, हाँ जो डैम बना रखा, जब तक इसको हटाएंगे नहीं पानी बहाव है नहीं, मिली नहीं रहा बहाव इसको। एक नदी और उसकी कई सहायक नदियां एक विशाल नदी बेसिन के रूप में प्रकृति के जल की निकास की व्यवस्था है, और इस प्राकृतिक जल निकास को हमारा अपशिष्ट ग्रहण करने वाली अथवा मैला ढोने वाली मालगाड़ी समझना एक महान भूल है। समाज का एक विशाल वर्ग गंगा या गोमती
जैसी अन्य नदियों के जल को स्पर्श स्नान करने और यहाँ तक कि पीना चाहता है, और यह उनके हृदय से स्पंदित होने वाली एक महान अभिलाषा है। वस्तुतः गोमती नदी एक नदी ही नहीं, हमारी संस्कृति की संवाहिका भी है। नदियों को पहले बेजान करके उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश के बजाय हमें उन्हें शुरू से ही स्वस्थ रखना होगा। नदियों की रक्षा अपने बच्चों की रक्षा करने जैसी है। हम सबको स्वस्थ रहने के लिए हमारी नदियों का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। भारत की अधिकांश नदियां मृत हो रही हैं। यह हमारे अस्तित्व के लिए एक बहुत बुरा संकेत है, और यह वास्तविकता है कि यदि हमारी नदियां मृत होती रहीं तो हम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। 2 वर्ष पूर्व गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू होने के समय कुरिया घाट पर हजारों टन मिट्टी से गोमती की मुख्य धारा को रोककर एक बांध बनाया गया था। इस बांध की वजह से नदी की धारा बाधित हो रही है। इस वजह से कुड़िया घाट के ऊपर करीब 2 किलोमीटर तक नदी को मरणासन्न बना दिया गया है, और नदी जलकुंभियों से पटी है। यदि नदी नहीं बहेगी तो तालाब की तरह बनकर सड़ेगी। ये जो नदी जो आपको इस समय इतनी गंदी दिख रही है, उसके पीछे कारण जो मैं जान रहा हूँ ये है कि जो रिवर फ्रंट जो बनाया गया है, जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम किया है, सबसे बेकार काम तो यही हुआ है। पिछली सरकार ने जो भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम किया, सबसे गलत काम किया है। दूसरा, जगह जगह इन्होंने डैम बना दिए हैं जो कि नदी के बहाव को रोकते हैं, और नदी के बहाव को अगर कोई भी चीज़ रोकेगी तो निश्चित तौर पर गंदगी कहीं ना कहीं एक जगह पर जमा होगी, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं सामने जो भी आपको दिख रहा है, ये सब उसी की वजह से, क्योंकि पानी का बहाव है नहीं, इसकी वजह से जो है नदी पे ये सब गंदगी दिख रही है। और शहरों के जितने भी नाले हैं, अगर वो नाले बंद कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से कि ये नदी अपने आप पुनः फिर जैसे पहले थी, आज से 25 साल पहले जैसे जिस तरह से नदी थी, उसी तरह से नदी आपको ये स्वच्छ सुंदर ये गोमती नदी दिखेगी। अभी भी नाले उस पे गिर रहे हैं। बची कुची घुलित ऑक्सीजन पीकर जलकुंभी का जंगल फैल गया है, जिससे मछलियों एवं कछुओं का जीवन संकट में है। कुरिया घाट पर बने इस मिट्टी के बंधे से नदी का प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो गया। इस बांध को तत्काल हटाए जाने की जरूरत है। अगर इस बंधे को नहीं हटाया गया तो नदी की प्राकृतिक वहन क्षमता समाप्त हो जाएगी, और जल प्रदूषण का असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। नदियों का प्रवाह कई कारणों से कम हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपने सभ्य एवं विकसित बनने की प्रक्रिया में नदी के जल क्षेत्र या फ्लड प्लेन को ही चुरा लिया है, जिससे नदियां पहले अधिक जल को पुनर्भंडारण कर सकती थी, लेकिन आज वो रिचार्ज नहीं कर पाती है, और फ्लड प्लेन या उसके प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमण होने की वजह से नदियों का प्रवाह निरंतर कम होता जा रहा है। एक नदी कैसे मृत हो जाती है? अत्यधिक जल के दोहन से नदियां सूख रही हैं। नदियों में अपशिष्ट एवं विषाक्त जल प्रवाहित करने से नदियों में हर प्रकार का जीवन नष्ट हो रहा है। गोमती नदी लखनऊ वासियों की जीवन धारा है। पहले ही सौंदर्यीकरण के नाम पर नदी के तट उससे छीन लिए गए। नदी का जैविक संसार खत्म हो गया है। भारत का अस्तित्व नदियों के अस्तित्व से है।